सीट से उठिए। आप किसको बंद करो भाई? नहीं करेगा, आप उठिए ना। आप किसको बंद करो ना भाई? आप उठिए। तो दोस्तों, कामाख्या स्टेशन में क्या चेकिंग होता है? तो हाँ, कोविड टेस्ट होता है वहाँ पे। जैसे ही कामाख्या स्टेशन में बाहर का ट्रेन रुकता है तो वहाँ पे रेलवे कर्मचारी और आरपीएफ वाले वहाँ पे लाइन से खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही मतलब ट्रेन रुका तो सबको गेट के रास्ते से बोलते हैं जाने के लिए, और वहाँ पर कोविड टेस्ट किया जाता है। और जिसका पास कोविड का सर्टिफिकेट हो दोनों डोज का, फिर भी उसको भी कोविड टेस्ट करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है जिस जो वैक्सीन लिया तो उसको चेकिंग नहीं करेगा। वैक्सीन लिया है फिर भी कोविड टेस्ट होगा ही जो बाहर से आते हैं। और जैसा आसाम के लोग हैं तो उनका चेकिंग नहीं होता है, जो बाहर से आ रहे हैं उनका चेकिंग किया जाता है। मतलब श्रीरामपुर बॉर्डर के अंदर के जो लोग हैं, आसाम के अंदर से जो है वो बाहर जा रहे हैं, फिर भी उनका भी चेकिंग होगा। लेकिन जो आसाम के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हैं उनका चेकिंग नहीं किया जाता है। तो टिकट देखेगा आपका और जाने देगा। जैसा कि मैं समस्तीपुर से आ रहा था खगड़िया से, तो मुझे चेकिंग किया था, टिकट देखा, उसके बाद मेरा चेकिंग किया। वहाँ पे फटाफट आरटीपीसी चेक होगा आपका, उसके बाद सातों साथ आपको रिपोर्ट भी दे दिया जाता है। और टाइम डेढ़ दो घंटा लग ही जाता है वहाँ पे। तो मैं अपना गांव आया हूँ, आप लोगों को मंदिर ना दिखाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये मंदिर जो है, जब शादी होता है उससे पहले कुछ रस्म होता है, और रस्म को पूरा करने के लिए यहाँ पे आया जाता है। तभी वही दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो देख रहे हैं, जब शादी होता है तो उससे पहले कुछ रस्म होता है हम लोग में, उसे बांधा जाता है, उसके बाद शादी होता है। और ये मंदिर को हम लोग हमारा भाषा में कोहवर बोला जाता है। तो जब भी शादी हो किसी का, यहाँ पे आके ये बांधा जाता है, उसका बाद ही शादी को पूरा माना जाता है। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपका भाई गोविंद पासवान, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार एनी स्नैपर्स ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं वापस जा रहा हूँ घर पे, और अभी मैं रोसड़ा स्टेशन में हूँ, और मेरा ट्रेन जो है आने वाला आपका 5 बजे के अंदर में आने वाला है। तो मुझे टिकट मिल चुका है, और रोसड़ा से खगड़िया तक का 20 रुपया लेते हैं। ट्रेन रोसड़ा से निकल चुका, और मैं भी कोई छोटा सा होल्ड पर रुका हुआ। और तो दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ खगड़िया में, और मेरा ट्रेन जो है रात को 1:30 बजे आने वाला है। तो रात भर इधर पे रुकना है अभी, और ये स्टेशन ही अपना दोस्त है आज के लिए रात भर। तो एक कप चाय लिया हूँ, लेकिन चाय में कुछ ना कुछ टेस्ट वेस्ट है नहीं, बस पानी पानी ऐसा चाय लग रहा है। और नाश्ता में तो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा यार नींद आ रहा है, तो जा रहा हूँ मैं नीचे में स्टेशन के बाहर पे जाके एक कप चाय पीता हूँ।
क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है अभी, और अभी टाइम भी नहीं हुआ ट्रेन का आने का आपका। अभी टाइम 9:30 जैसा बज रहा है। तो मैं वापस खगड़िया वाला रूट से जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग को समस्तीपुर से दिखाऊँ, लेकिन मुझे ना तो टिकट मिला था और ना मुझे उस टाइम पे कुछ ट्रेन भी मिला था, तो वापस से मैं वही रूट से जा रहा हूँ। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं गुवाहाटी से जब खगड़िया आया था तो आप लोगों को कुछ स्टेशन नहीं दिखा पाया था, तो मैं इस ब्लॉग में आप लोग को वो स्टेशन दिखाऊँगा। और 20 वाला पानी बोतल दीजिए, पानी बोतल। नॉर्मल दीजिए, हो जाएगा, नॉर्मल चाहिए। तो अभी मैं स्टेशन का सीढ़ियों पर रुका हूँ, आप लोग जैसा देख रहे हैं, और मेरा पीछे में देख रहे हैं वहाँ पे सिर्फ मालगाड़ी आती है। और इस बार मैं सेकंड स्लीपर नहीं, सीधा स्लीपर ही लिया हूँ, क्योंकि सेकंड स्लीपर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो स्लीपर में अपना बिंदास जाएंगे। तो मैं अभी ट्रेन का अंदर आ चुका हूँ और मैं सीधा आप लोग से सुबह मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं NJP पहुंच चुका हूँ, और NJP ये 8 बजे उतार है। मैं श्रीरामपुर बॉर्डर को पार कर चुका हूँ और मैं शाम तक कमाख्या पहुँच जाऊँगा वहाँ। तो काफ़ी देर हो चुका है, तो कुछ पिया नहीं था, तो एक केले ले लिया हूँ, इसका नाम माही मैंगो, लोकल है।